अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रुपहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सजन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के भाग लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, हो पलकों की छाँव में। तो सॉरी, मुझे लगा कि वो रॉकी वो, मैंने ही कहा था रॉकी से आपको जगाने के लिए। सॉरी। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? कंचन, कंचन उठ बेटा, बहुत टाइम है उठने के लिए, सोने दो ना। अरे कितनी बड़ी हो गई है लड़की, फिर भी सुधरेगी नहीं, उठो। सोने दो ना मम्मी। उठेगी या नहीं? सोने दो ना अभी। वो मैं लो, तेरी असली माँ आ गई, अब यही जगाएगी तुझे। मैं तो चली पूजा पाठ करने, देख लेना इसे। एक मिनट आंटी। क्या है? पूजा के नाम पर याद आया, ये एक छोटी सी भेंट आपके लिए लाई थी। देखो तो सही क्या है। अरे मैंने तो सिर्फ पूजा का नाम लिया था, तूने तो भगवान के दर्शन ही करा दिए। छोटी सी भेंट है ये। अच्छा मैं चलती हूँ, इसे जगा दे। सुमन बेटे, तुम तो बहुत ही सुंदर गाती हो, मन बहुत प्रसन्न हो गया। आज से पहले इस हवेली में इतनी सुंदर सुबह तो कभी नहीं हुई।
ये लो। हाँ छोटे दीजिए बहन जी। छोटा दीजिए मतलब? छोटा तो तुम्हारे पास होना चाहिए ना। देखिए 500 तक के छुट्टे मेरे पास है, मगर अभी 1000। अरे 1000 का नोट हो या कुछ भी हो, छुट्टे पूरे पैसे तुम्हारे पास होने चाहिए। मगर अभी 1000 के छुट्टे कहाँ से लाऊं मैं? क्या देख रहे हो, पैसे यहाँ से मिलेंगे यहाँ पे? तुम चुप रहो, तुमको बोला ना कहाँ से लाओ का क्या मतलब है? छुट्टा रखने का तुम्हारा काम है, कहाँ से लाओ ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम है, कहीं से भी लेके आओ। विद्या बुआ। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कैसे है, स्मार्ट हो गया तू तो? कैसे है फूफा जी? एकदम ठीक ठाक। क्या बुआ, आप आ रही थी, आपको बताना चाहिए ना, मैं लेने आ जाता। वो क्या है ना, हम सरप्राइज देना चाह रहे थे, है ना? अब देख ना, इस बंदे के पास 1000 के छुट्टे भी नहीं है, अब क्या करें? क्या बुआ, आप भी ना, इसने कभी 1000 के नोट भी नहीं देखे होंगे और आप इससे 1000 के छुट्टे मांग रही हैं। आप जाइए, मैं देखता हूँ। चल चल। बस 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 कुछ तो कुछ। बस बस। अरे इस घर में सब बच्चे ही हैं। अरे अरे बड़े क्यों नहीं, माँ है ना इनकी, ये सब आपके बच्चे हैं। अरे नहीं नहीं, इसमें सिर्फ 3 ही मेरे हैं, और वो जो चौथा वाला ना, वो गुड्डी का है। ओ, इतना बड़ा हो गया। अच्छा है। अब चलो चलो, बुआ को तंग मत करो, अभी मिलती हूँ। हाँ चलो 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 चलो। ये कौन है? बुआ चल। बस 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 बस, तुम दोनों को बहुत अच्छा दुल्हा मिले। वैसे ये है कौन? बिना जाने ही मैंने आशीर्वाद दे दिया। ये मेरी सहेली है सुमन, और सुमन ये मेरी विद्या बुआ। विद्या आ गई। बुआ जी मैं अभी आई। चल खुश रहो, जीते रहो। कैसी हैं आप अम्मा? अरे मैं तो बिल्कुल भली चंगी हूँ, लेकिन तू इतनी दुबली क्यों हो रही है बिटिया? सच, वो क्या है ना, मैं डाइट पर हूँ। अच्छा, अरे अपनी डाइटिंग जरा हमें भी बता देना, देखते हैं हम पर क्या असर करती है। अरे देख, तेरी भाभियाँ भी आ गई, तू उनसे मिल, तब तक मैं दामाद जी को मेहमानों से मिलवा देती हूँ। आइए दामाद जी। अरे बस, अरे कैसी हो विद्या? मैं ठीक हूँ। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? उफ, ये आजकल के टैक्सी वाले भी ना, बिठा तो लेते हैं लेकिन छुट्टे पैसे नहीं रखते, कितनी परेशानी होती है मैं क्या बताऊँ। अरे ये ले ले। अरे बुआ छोड़ो ना, और वैसे भी इतना बड़ा नोट हमसे नहीं संभाला जाएगा, टैक्सी वाले को पैसे दे दिए हैं। अच्छा किया। बाबूजी कहाँ है? छत पर है, मैं मिलकर आती हूँ। माँ बुआ के पास ये 1000 का नोट कब से है? मतलब ये कि जब मैं छोटा था उस वक्त भी उनके पास 1000 का नोट था, कहीं ये वही तो नहीं? जब जीते रहो बेटा, जीते रहो, सब ठीक रहा? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना बेटा? क्या ठीक था, एक गाड़ी भी नहीं भेज सकते थे? बैठ बैठ के बात कर, बोल क्या हुआ? कितनी बेइज्जती होती है बाबूजी, आस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे, इतने बड़े घर की बेटी है और मायके वाले गाड़ी भी नहीं भेजते लाने के लिए। पहले कुछ खाएगी पिएगी या ऐसे ही बकबक करती रहेगी? अरे तेरी भतीजी की शादी है,
ऐसे में तुझे पैदल भी आना पड़े तो आना चाहिए और आना पड़ेगा। गाड़ी भेज देने से बेटा कोई इज्जत थोड़ी बढ़ जाती है। चल अंदर जा और जाके शादी की तैयारियों में हाथ बटा। समझाओ समझाओ अपनी बेटी को कुछ। चल विद्या, दामाद जी के नहाने धोने का इंतजाम देख ले। ये क्या माँ, आते ही आप मुझे काम सौंप रही हैं? ये सब मुझसे नहीं होगा, भाभी से कहो ना। तो तू यहाँ मेहमान बनकर आई है? बेटा भूल गई, अरे शादी का घर है, हर इंसान कोई ना कोई काम में लगा हुआ है। चल तू भी काम पे लग जा। क्या? चल ना। आप भी ना। तू भी ना। खंचर, कहाँ जा रही हो तुम लोग? कहीं नहीं ताई जी, शादी वाला घर है ये, चलो मेरे साथ, काम है मुझे, आओ चलो। आओ। तुमने सारा सामान चेक कर लिया है, कुछ बाकी तो नहीं रह गया अभी? नहीं मम्मी, अभी थोड़ा सा ही बाकी है। हे भगवान। कोई बात नहीं मम्मी, अब कंचन आ गई है ना, इसके साथ जाके ही ले आऊंगी। शगुन छूटने के बाद कोई लड़की घर से बाहर निकलती है क्या? इसीलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया है। दोनों बहनें मिलकर सारा सामान चेक करो और जो रह गया है उसकी लिस्ट बनाओ और किसी को भेजो मंगवाने के लिए। जी मम्मी। चल एक एक करके सारे बक्से चेक करते हैं। इतना सारा सामान, टीवी, ज्वेलरी बॉक्स, ये सब क्या है? इसे झापी कहते हैं। जब लड़की की शादी होती है तो मैके से ये सब चीजें उसको दी जाती है। चल बैठ जा, मैं बोलती हूँ तू लिस्ट बना। मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ लाना हो तो बता दीजिए। हाँ बेटा, लड़कियाँ लिस्ट बना रही हैं, बस अभी लाती होंगी। अरे कंचन। जी ताई जी। बेटा लिस्ट बन गई। लीजिए ताई जी। लो बेटा। तो लड़कियों के सामान की लिस्ट है। बेटा अब तुम बाजार जा रहे हो तो तुम्हें ये सब लाना ही पड़ेगा। कौन जाएगा अभी? तो गुड्डी दीदी से कह दीजिए, वो सारा सामान जीजा जी से कह के कैंटीन से मंगवा देंगी। अच्छा सुन, तूने टीकू को देखा है कहीं? नहीं नहीं, कहाँ गया? पर ताई जी मैं ये नहीं खरीद सकता। कंचन तू भी चल मेरे साथ। कहाँ जा रही हो तुम बेटा? अभी बहुत काम पड़ा है यहाँ पर, करण वो तुम्हारे साथ नहीं आएगी बेटा। पर इन सब चीजों की समझ नहीं है मुझे, और गलत सामान ले आया तो सारा इल्जाम मुझ पर आएगा, एक काम भी ठीक से नहीं कर पाता। सुमन तुम चली जाओ बेटा करण के साथ में। हाँ सुमन चली जाना। अरे अरे टीकू बाबू, यहाँ क्या कर रहे हैं? कुएं के पास नहीं खेलते, चलो उधर जाके खेलो। हाँ नहीं, हम यहीं
चलेंगे। ठीक है तो हम गुड्डी दीदी को बताते हैं, अभी तभी मानेंगे, अभी आते हैं। श्याम बहादुर, टीकू कहीं दिखा? अरे हाँ, वो कुआं पे खेल रहे हैं। क्या? हमने मना किया कि हम मत खेलो, मानते नहीं है। देखो एक मिनट, मैं आंटी से पूछ कर आती हूँ। अरे मम्मी को मैं बता दूंगी, तू चली जा। हाँ बेटा, मैं बता दूंगी उसे, तुम जाओ। टीकू कुएं में गिर गया है।